बात बोल बात बोल कुछ तो बात बोल जो भी बोल प्यास बोल बोल बंद बोल की बात बोल बात बोल कुछ तो बात बोल जो भी बोल तो प्यास बोल बोल बंद बोल 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 बंद बोल जो भी बोल, तो बोल।, बोल बंधु कार्यक्रम में तो लोग एक बार फिर स्वागत कर स्वागत हैं। जा बंधु कार्यक्रम में आज हमने के जो में ऐसे बंधु आल वो मॉरिशस के वासी नहीं हो बल्कि भारत के वासी हवन भारत से मॉरिशस तौर पे एगो फंक्शन में आल हवन वैसे ढेर मौका मिलल बा हमने की विदेशी बंधु से भेंट दीपक त्रिपाठी हमने के भोजपुरी मशहूर भोजपुरी गायक हवन और साथ ही सुदर्शन भाई कृष्ण सुदर्शन भाई जो ना बिहार से आल रहलन और मौका मिलल बेटा से भी भेंट करे के सत्यम सुदर्शन आज हमने की इस में आल हवन बनारस से भारत बनारस से डॉक्टर अजीत कुमार राय डॉक्टर अजीत कुमार राय अजीत भाई

इतना छोटे छोटे घर नीला नीला हरा हरा दिख रहा देख के मन खुश हो ग ये सोच रहनी कि जब हमारे न, तो कैसे उतना दूर से बेचारा आएल हो बहुत ही बढ़िया जैसे प्लेन से देख हुआ नीचे तो डर नहीं लगे छोटा सुन आइलैंड आर पानी चारों ओर पानी पानी सुनामी ने चलाई <laughs> अभी सोचे अब तो बात पॉजिटिव नेगेटिव सोचने लगी एक पॉजिटिव बात बोलब हिया परी कि मॉरिशस बहुत ही खूबसूरत है हाल हुआ पहला हुँ। हला आल हुआ और हिया परी प्राकृतिक प्रकोप जैसे बोलब जा खाली तूफान आवेला हां एक एक दो एक दो थन बाढ़ आवेला लेकिन मॉरिशस एक स्वर्ग नियर है बहुत ही खूबसूरत बहुत ही सुंदर देश है यहाँ के लोग कैसे लगे था अब तो हम जब अपन पढ़ाई का समय पढ़ले कि हमार पूर्वज हम हम क्षेत्र से आये हे वो क्षेत्र से लोग आय जहाँ तो हमके ये वो मन में लालसा रहे बचपन से ही कि उस क्षेत्र में जाके देखल जाए कि जहाँ हम गिरमिटिया से गवर्नमेंट तक सफर हो लोग का तो देश कैसा हुई कि जहाँ हम गनी जाते वो बस गल नया देश तो देखे के मन में बड़ी लालसा रहे तो जो मौका मिलल हमके तो हम बहुत हमको जल्दी तैयार हो चल चल, चल जा देख दे जाए जरूर तुम्हारे तो अनुभव के बारे में बात करब जा करो लोग तो लोग के याद दिलाव कि डॉक्टर अजीत कुमार राय वो मॉरीशियस के भारतीय प्रवासी लोग के आगमन के एक सौ अस्सीवा वर्षगांठ के अवसर पर वो आल होन यहाँ पर मॉरिशियस में और यहाँ के एंजॉय देने से और भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन देने से एगो समारोह आयोजन के आयोजन हो में भाग लेके डॉक्टर अजीत कुमार राय आयल संग लहरा के चलब चौरंगार जहा जहा जब गड़बो कर खम्बा मोरिशस हमार मोरिशमार मोरिशस हमार मोरिशम हाँ। डा पे है अब जो प्रवासी जो भारत से बाहर विदेशों में मुख्यतः तो इंडियनशेट लेबर जो जो जल वही पर तो हम जो पीएचडी काम कर ब्रिटिश गाना पर रहनी अच्छा तो ब्रिटिश गाना के लोगों से बात कोलकाता गई रहनी कुल कैसे लोग आव जलन जाए तो पहला प्रवासन मारिशस में हमारे मन में इच्छा कि मारिशस पर काम कर तब का कहतनी जब हन भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ह तो मैं हमरा के हम प्रपोजल भेजनी तो हम के फेलो अपने दो साल के लिए कैलस तो बोलस कि मार्शल पे तू आप काम कर तो हम भोजपुरी लोक संस्कृति और यहाँ के संस्कृति पर कम्परेटिव स्टडीज में काम कर स्टार्ट के करे बनी तो अब हम के करत करत छः महीना छः महीना हो गए अनुभव मिलल में काम कर अनुभव अनुभव ये देखते हैं कि जैसे एगो तो सबसे बड़का अनुभव भोजपुरी कल्या के, के बाटे कि जैसे हरि कहीं इतना भोजपुरी कहाल जाला कि भोजपुरी धीरे धीरे सांस ले अंतिम साँस ले कहा जा रहे कि हमके जहाँ अला बाद लागल कि भोजपुरी तो यहाँ जिंदा ब खड़ा बाटे खूब बढ़िया से चलत हाँ तो वह कहाल जा सकेला और कल्चर हम देखनी जैसे यहाँ दिवाली देखनी हम का जब जब अतु लर्निंग कैनी दिवाली देखनी और वो का दिवाली में सोचते कि कितना एकदम लागत है कि हम अपने देश में आए बनी नहीं। आज सुबह जब टहलत निकलते रहनी तो गौरैया चिड़िया मैना चिड़िया के देश में पायल हम अपना गाँव में देख रहनी रही जाननी बड़ा अच्छा लगे की कि, कि बहुत बढ़िया जगह मतलब लगते ना रहे कि हम कहीं दूसरा देश में आये बनी चाहे कहीं दूसरा जगह में आये बनी हमें लगती हम भारत में बनी एगो बात पर हम प्रकाश देव बंधु लोग कहे कि का डॉक्टर अजीत कुमार राय बनारस से मॉरिशियस आल होवन पीएचडी एच डी करले हो भोजपुरी के क्षेत्र में और होवन हिया हमने के भोजपुरी भाषा भी जीवंत बा सांस ले था। हुआ परी कोनो प्रांत में कोनो रीजन में भोजपुरी ते लगभग जैसे हन इलाका जब बटे छोट मोट बहुत सीमित क्षेत्र हो गए बटे सीमित क्षेत्र में वो भोजपुरी बटते अभी गाँव में हमिका हुआ जिला मुख्यालय पर चल जाये भोजपुरी ना बोल जाये गाँवें में बाहर से क्यों था तो भोजपुरी बोल छूट जाकर वही तो हिंदी में बतिया लगत था दूसर लैंग्वेज में बात करे लगत हाँ भोजपुरी ऐसे वह कहा कि भोजपुरी एकदम तो एकदम छोटा एरिया बल बटे नहीं जहाँ हम देखनी बड़ से लेकर छोट आदमी भोजपुरी में अगर बात करो तो भोजपुरी में बात करी दूसर भाषा में बात करो तो दूसर भाषा में बात करी ऐसे चैला ध्यान में रखेगी एगो डॉक्टर एगो पीएचडी होल्डर अजित कुमार राय यहाँ पर आके भोजपुरी क्षेत्र, क्षेत्र में काम करो तो के कंधा पर हा। अपन भोजपुरी के जीवंत रखिय जिंदा रखियन लयक भोजपुरी संस्कृति भोजपुरी भाषा जरूर सीखिए कौन फर्क बा यहाँ के भोजपुरी बनारस के भोजपुरी में यहाँ का थोड़ा सा लैंग्वेज जो बैठे एक दो शब्द जैसे अगर कोई आ धारा प्रवाह में बोले लगी तब तो नहीं हर के समझ में दिक्कत हो जी से मिलली तो धारा प्रवाह में लगल भोजपुरी बतियाबे शुरुआत में तो हूक बात समझ में आई लेकिन बाद में हमको ला दिक्कत होके लगल तो उनको हम कहीं धीरे धीरे बोलो भैया तो जब धीरे धीरे बोल लगन तो हमें समझ में आवत रहे तो थोड़ा सा ये डिफ्रेंस हमें लागल हाँ यहाँ पर ही अमर हमने हमने के मोरिशन भोजपुरी में एक दो क्रियोल के भोज के शब्द चलाल बा लेकिन हमने के भोजपुरी हवे हाँ जैसे हमने के पुरेना लोग के भोजपुरी जो देश से आल रहलन हमने हाँ, हाँ, देश बोली रहा सा क्या कि भारत से आल रहलन हम वो कब कब वो जब मौका मिलेला हम बड़का जना से बात करेला जहाँ जब भी एक मौका मिला पूछी कि तोहर दादी तोहर पर दादी आल रहल देश से भारत से का अभी कोनो याद बा बोले जा कि हमने के बरका दादी आल रहल भारत से त बोलत रहल कि बड़ी दुख रहल उ जमाना तू तो काम करल हो क्षेत्र में कौन कु, चीज सीखल हो कौन चीज ले हो हमने के आप भारतीय आप्रवासी, भारती आप्रवासी मॉरिशस में हम एगो चीज बड़ा ध्यान से देखें <coughs> कई जगह चाहे ब्रिटिश गाना होके चाहे मॉरिशियस होके कि हमने के भारत में जोन बांटे को जाति व्यवस्था बाँटे आ जहाँ हम देखनी कि जो लोग ऐलन जा तो जाति व्यवस्था को खत्म हो होकर जहदिया भाई को जो अतु भय रहे विकसित से एगो नातेदारी विकसित हो गई जैसे एक डिपो से केहू आए या एक जहाज़ से आ गई तो उन लोगों में एगो संबंध बन गई अपन कि हाँ हमारे मतलब वह लोगों के वर्ग बन गई ग भारत को तो को, वो के जो जाति व्यवस्था र खत्म हो गई अब हम देखें दू तीन गो जैसे जो टाइटिल लागत हाँ के टाइटल से अलग लेकिन शुरुआत वाला नाम जो बाँटे जो अलग बाँटे सेम बाँटे नाम एकदम अलग हा और कोनो कोनो सेम बा लेकिन अवसर मिलल बा जना से मिले के भेंट करे के ओकर नाम जब वो लड़का गल रहल भारत में ओकर पूर्वज के खोजे के वहाँ पर ही एगो जना से मिलल तब तो पूछल कि हाई नाम के कोनो आदमी रहल आगे लोग बोलक नहीं तब तो बोला कि एगो आदमी ओकर एगो जैसे बोल रहा पैतनेम नाम 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 से रहा लो, हाँ, लो के हाँ। हो, आ, नाम के रहा हाँ। उही नाम के हो आदमी लेके में आल, आज नेम नेम सर बन अच्छा हाँ। तो के एको जैसे का, हम राय, तो के एको को तो में राय फिर कहीं दूसर क्षेत्र में दूसरा तो क्षेत्र में सिन्हा वाइज बट जला मुख्य खेती वाला जमींदारी प्रथा वाला ऐसे तो ऐसे यहाँ पे देखला पर तो भाई एगो डिपो से जो, जो भाई वाला बात करनी है उहे वाला नातेदारी जहाँ ज्यादा विकसित काम ग्याना के हाँ, हाँ। पर भोजपुरी पर आ, काम कर ले हुआ। तो मिला हमने के, के जनता लोग के बतावत जैसे हम एगो हालैंड के राजदूत रह बनारस प्रवासी भारतीय पर बात होते रहे तो हमें लागल कि हमसे मिले के बोलैली तो हम गैनी सोचनी कि भाई हालैंड कह इंग्लिश में बात करियन तो बड़ी डरते सहमते गैनी लेकिन जब गैनी तब हमके अतु कैली क्या खतनी भोजपुरी में बोलली हम बड़ा <coughs> सकपका गईनी हमको बुझेबे नहीं <coughs> कर गए कि इतना बढ़िया उ बोलत हई <coughs> जबकि हरिक अब हम सोच के गनी कि इंग्लिश में बात करब कि हिंदी में बात करब कैसे बात करब सोचत रहनी देख के हमको बड़ा अच्छा नोल परम्पर के कैसे वो जिंदा रख वाली। ना वेल क्वालिफाइड को कु, 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 बात रह प्रोत्साहित कर ले बा दूसर भारत के छोड़ के दूसर देश के आप्रवासी भारतीय आप्रवासी लोग के बारे में जाए काम करेगी की कौन चीज़ रही बचपन में जब हम छोटी बात बहुत बढ़िया क्वेश्चन कैल बड़ा लोग पूछल जम कहीं पर काम करे कर कुल चीज़ छोड़ छाड़ के तो हम जब छोट गणित हमारा रह दादा के एगो चाचा उ अट्ठारह सौ अस्सी के दशक के बाद घर से भाग गलन तक कोलकाता कहा कोलकाता से लोग भर्ती हो जाए तो वो जहाँ चल गन जहाँ लोग भर्ती होके कोना देश से गए पतना चल अब दादा जब लोग मतलब कि वो लोग बहुत दुखी थे कि भाई एक चला गया हम लोग का तो वो बड़ा दुखी रहन जा खूब खोदन जा जब हम रहन जा छोटी गो तो तहानी सुनाबस कि ए हमारे भाई रहे बड़ा चल बड़ी दुखी होके जब उनका कभी मन हो 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 तो बड़ा दुखी होके सुनाबस किस्सा सामी के हमार दादी रही दादी गाना गावस कि पिया गया डमरेरा देशवाहो कहाँ जी कैसे खबरियाँ मिली तो इक सब सुन जब सुनी जाए तो बड़ा निक लगे कि कोनो कहानी रहे बड़ा दूर टापू पे पर लोग बस गन जाए फिराबे के बीच में कहा जाए हाँ। तो हाँ। कि बहुत बहुत बड़ रक्षस उगा दला तो अंग्रेजन के बड़ रक्षस कहाल जाए बड़ अक्षसपूप लेके गोल बंदी बना के रख दिले बटे हमन बड़ा मन में वो तू तो जब हम ऐनी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़े खाती तो जब पी जी करते तो इसमें डाइस पूरा चलल हमारे वो तो हमारे एगो गुरुजी रहन डॉक्टर घनश्याम तो कलन कि जैसे उ हमको बड़ा प्रोत्साहित करन तो हमको बड़ा अच्छा लगन पढ़े में मैं। तब वही में जब बाद वो पीएचडी करे आईनी तब मेरा मन में आयल कि यही पर काम करी हम बहुत अब अच्छा मौका मिलल बेटे तो से काम कैनी पीएचडी उचडी कर लेनी तब फिर ये कि जॉब कर जाए तब तले आई सी एस आर का अतूँ भल पोस्ट डॉक्टरेट फेलो कर निकल रहे तब मॉरिशस पर भेजनी वो पढ़ तो उमक पढ़ से नियुक्त कर कल

लेकिन फिर भी आला हो हाँ, जैसे प्रार्थना कर जब पूजा कर जरूर की तो हर पर दा, पर ता, चाचा हाँ, पर चाचा पर चाचा के जरूर तो हर भेंट हो या फिर ओकर परिवार से तो हर भेंट हो जरूर और हुआ ग भाषा में बात काम कर ले हो भोजपुरी क्षेत्र में काम कर ले तो बनारस से हा तू बनारस की भोजपुरी संस्कृति तनी सुन हमने की बताओ कैसे पर बनारस में तो जैसे हन परंपरा जैसे बनारस कहा लगे बहुत पुराना शहर काशी जहाँ तक तो हर चीज़ का लग लग जैला पे देखला पे कि कुल अगर भारतीय संस्कृति बाँटे तो अजह बाँटे क्या हर चीज़ पूजा त्यौहार परम्परा बड़ों को आज्ञा पालन कर हमी के यूनिवर्सिटी में कि आज भी अगर गुरुजी हमसे बड़ हो तो हमको पैर छू के आशीर्वाद लेने जाए नहीं जा। कि हेलो सर गुड मॉर्निंग चाहे हाथ मिलाना को परम्परा ना, ना। तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है जहाँ एगो परम्परा चलत अब जैसे वहाँ इतना सुंदर सुंदर मंदिर पूजा पद्धति हर चीज़ सभी दीपावली एक पंद्रह दिन दे बाद देव दीपावली हो जाए पूरा घाट सजी गंगा जी नदी बली तो हर चीज़ के परम्परा जो बाटे असली बनारस देखे के लायक हाँ भोजपुरी गीत हाँ अगर बारे में के बताओ बनारस के भोजपुरीगीत के बारे में कभी जानने वाले काम कर भोजपुरी लोग गीतन के सुनले हैं बचपने से सुनत हैं हई क्या गांव में हमारे जन्म भू जहाँ से हम हर छोट मोट कार्यक्रम हो भोजपुरी गायक यहाँ से चाहे बीढ़ा गावे चाहे तू गे हम गाँव के आसपास में दू तीन ठे गायक पैदा हुए ऐसे जैसे को शारदा सिन्हा बहुत बढ़िया बहुत मतलब अच्छा गायिका है अजीत भाई ऐसा कि भोजपुरी संस्कृति जो ना चाहे भारत के हो मॉरिशस के हो गा त्रिनीदा को देश जहाँ पर ही के भोजपुरी लोग रहीन लंजा भोजपुरी संस्कृति जैसे एगो सागर हा। इमें बा। है ढेर रत्न बहुत और एक एक रत्न के निकालब सा, ता उमें भी एगो सागर बा जैसे भारत बनारस से आल आलोन डॉक्टर अजीत कुमार राय ऊ भोजपुरी के एक क्षेत्र में काम करले होवन अपन पीएचडी प्राप्त करले होवन पीएचडी के बाद एगो पोस्ट डॉक्टर फेलो एकर बारे में हम बताब की कौन प्रकार के से पीएचडी के बाद वो जैसे हम लोग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद है चाहे भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद है कई थे जैसे वो इंस्टीट्यूट हैं जो शिक्षा के बढ़ावा दिलन से तो पोस्ट डॉक्टरोल फेलो नियुक्त करेल से मतलब दो साल के लिए तीन साल के लिए तो एगो मानद उपाधि होल एक अंतर्गत जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर बने के अतू रखत है अपन मतलब कि इक्वलिटी तो के नियुक्त करे दू साल तीन साल खातिर एगो प्रोजेक्ट दी काम करे के टॉपिक दी ऊपर तू काम कर आदमी ऊपर काम करे ला दू साल तीन साल और उतना मतलब स्कॉलरशिप चाहे वेतन कहल वो जाला लगे हाथ हमने पूछा जरूर जैसे ज्ञाना के पृष्ठभूमि में का भोजपुरी पृष्ठभूमि में काम कर ले वहाँ क्या प्रवासी लोग के बारे में तू पढ़ले हवा ध्यान हवा हब तुआ पर ही क्या भोजपुरी संस्कृति भी जात बा भोजपुरी भाषा भी जात बा जीवित ना जो हम देखनी जैसे हम वहाँ तो गए का मौका ना मिल पाई लेकिन वहाँ दो तीन ठेक दोस्त रहन हमार चाहे तो वो फेसबुक के जरिए चाहे दो तीन ठेम से मिलन तो लोग फोटो वोटो भेजने रन जे बहुत बढ़िया बढ़िया जैसे वहाँ देखनी छोट छोट मंदिर का हमसे बातों भी करन तो भोजपुरी में लोग बात कलन जाए तो ऐसे वह लगत है कि भोजपुरी जिंदे बटे लोग के भोजपुरी कैसे है वो जहाँ का थोड़ा सा अलग टाइप का जैसे यहाँ का क्रियोल जैसे मिलल बटे वहाँ लागत है कि फ्रेंच और कुछ और हाललैंड वाला डच वाला बगल में तो का थोड़ा सा अलग मौका ज़रूर जा तो इच्छा कि जितना जितना भी जेतना भी देश में भोजपुरी समाज के लोग गल वाल जाए चाहे भारतीय देश अध्ययन करी लोग मिली बात करी और कहीं हमारे पूर्वज मिल, जा, जा? <laughs> <पुरद> मिल जाए <laughs> कि जाने की के आप ही हो बहुत ही बढ़िया लेकिन अभी भाई बोल देनी हाँ। भाई एगो रिश्ता बन गल बात तो रिश्ता हाँ डॉक्टर कुमार अजीत कुमार राय बनारस से आल हवन और हमने के स्टूडियो में बोल बंधु के स्टूडियो में आज आल हवन बात कर रहे थे जा जैसे देखा था है जा बनारस की भोजपुरी एकदम अलग है हा। हाँ।

दिवाली दिवाली का भाग लेके हाँ, दिवाली और ये हमने के भोजपुरी चैनल में हाँ, के देखेंगे हाँ। एक और बात बोलब कि भारत के छोर के मॉरिशस में भारत के छोर के भारत के बाहर खाली मॉरिशस में एगो भोजपुरी चैनल बा अखे दुनिया में और यहाँ पर ही भोजपुरी भाषा जैसे सांस ले जीवंत बा जीवित बा हमने के दादी लादा नानी लोग से भेंट करबा तो उन लोग अभी ले अपन पुराना बड़का आदमी के भोजपुरी गीत याद आवेल हम यूट्यूब पे चाहे उसके जखनी कैठे गाना भोजपुरी लोग गीत सुननी तो एकदम जैसे लगती रहे कि भारत जाए। जो का के सुनते हैं का ज्यादा गाना रहे तो नायिका में थोड़ा सा अंतर बाटे लेकिन का जब हम गाना सुनते रहनी मात रही कि भारत का गाना बूढ़ी दादी गावत है चाहे बूढ़ा दादा गावत हन हाँ अभी सुबह सुबह हम यूट्यूब खोलते देखो कि हमार नाम हम मछुआरा हम तो के कैसे पता बताई गाना सुनते रहनी है तो नया नया डाला सा जरूर यहाँ पर बिरहा के गीत बा सोरथा के गीत बा और साथ ही धीर प्रकार जैसे यहाँ पर जब शादी हो एक दिन बाद एक दिन आगे वो संगीत के गो समारोह हुए हाँ, के होला जैसे संगीत हाँ। तू कहला हाँ और यहाँ पर जब शादी हुए ला शादी के सबसे पहलका दिन हमने संगीत के एगो समारोह हमने गीत गी सर और गीत गवा में ऐसा ऐसा प्रकार के भोजपुरी लोक गीत बा लोकगीत बाखब तकब और पीएचडी करब बा। हाँ, <laughs> बात सही कहा था भैया हमू कहे कि आज हम देखनी पढ़ते जैसे कि जनेऊ पेनावल जला यहाँ पर तो एजो जाला तो जे हम मन तो भले कित जितना हम पढ़ बहुत ज्यादा यहाँ फैलल बटे पर तो ज्यादा और ये पर तो हम कहते हैं तो छोटा छोटा टुकड़ा में बहुत काम करे के चाहिए कि यहाँ पर भोजपुरी संस्कृति भोजपुरी भाषा के सुगंध जो है अभी ले फैलल बा और हमनी के नवा पीढ़ी आवत आ भोजपुरी भाषा में सीखत हो जाओ अभी और धीर और संस्कृति नवा नवा संस्कृति नहीं बोला जा बल्कि और उ और संस्कृति आवत है यहाँ पर ही परी, और सुंदर बनाए के तहाँ पर आल हवा काम करले ले भोजपुरी भाषा में हमने के बंधु लोग जो हमने के देखत हो जाओ अभी ओकरा चीज बोलभ भोजपुरी संस्कृति जीवित रखे के भोजपुरी भाषा कायम रखे हम कहब कि जैसे हनिक भारतीय संस्कृति जो हटे उ विश्व बंधुत्व के भावना से हमेशा से प्रीड़ित रही है भोजपुरी संस्कृति अभिन्न अंग है अगर एक हन छोड़ देवल जी तो हमको जो विश्व बंधुत्व का भावना बाई कबो ना हो सकेला सके जाए ग्लोबलाइजेशन के दौड़ आगे बटे ग्लोबलाइजेशन का हमरिये देन हं हमन बहुत पहले से जे की विश्व बंधुत्व का भावना बसदेव कुटुम्बकम कहल जाए पहले से ही ते हनिक भोजपुरी अपन परंपरा जो परम्परा ब संस्कृति एकदम आगे बढ़ावे के बैठे अपन आवे अली नई पीढ़ी के हरिक दे तबे हन संजोक रखल तब विश्व में एगो बंधुत्व के का भावना कायम रह सकेला बहुत ही बढ़िया बहुत ही नेक विचार जैसे अजित भाई जाके जखत आगे बा बहुत बहुत धन्यवाद आल आए और हरा तो बहुत शुभकामना देव अब जा घूमिया हमने के मॉरिशियस में और काम करिया और ये हमने के आ, हमने के के देश के भोजपुरी संस्कृति के प्रशंसा जरूर करिया एकदम एक भारत में भारत के छोड़ के और देश में तो ज़रूर प्रशंसा करिया हमें तो बड़ा खुशी हम चैनल नहीं पहले भोजपुरिया चैनल पे इतना बढ़िया से बात करनी आज तो लग दिल खोल के जितना बात कर सक सकें <laughs> अभी मौका मिल हाँ. जरूर हम प्रशंसा करब जे हमने एम बी सी के हमने की भोजपुरी चैनल में जानेला लयिका लोक खातिर कार्यक्रम बा भोजपुरी में नौजवान लोग खातिर कार्यक्रम बा जैसे के कार्यक्रम बा हम नौजवान और कार्यक्रम बा और हमने के वयस् लोग जो शादी शुदा लोग हवन जा लोग खातिर कार्यक्रम बा नारी गुँ. लोग खातिर कार्यक्रम बा हमने की वयस् लोग बड़का आदमी लोग खातिर कार्यक्रम यानी कि हर एगो पीढ़ी के खातिर कार्यक्रम कल हम हम जब 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 कार्य तब हमके बताओ टी वी बात चालू कर सकिए

जरूर अपन संस्कृति के अपन भोजपुरी भाषा के जीवित रखिए आये की खोज तो यी यी हमने के कार्यक्रम तो लोग खातिर पता नोट कर लिया। बोल बंधु एम बी सी डॉट इटनेट डॉट एम या फिर बंधु एम बी सी मौका तो के भाषा जीवित रखिए के संस्कृति जीवित रखिए और हाँ के नवा पीढ़ी के भोजपुरी जरूर सीखिए